नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका फिल्म लोग की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं साउथ की 7 बेहतरीन एक्शन क्राइम मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर पर बनी ये फिल्में। दोस्तों, आज की सभी फिल्में एक से बढ़कर एक हैं और दोस्तों आज की सभी फिल्में हिंदी में यूट्यूब पर ही देखने को मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। नंबर 7 पर आती है 2019 में रिलीज हुई मलयालम लैंग्वेज की बेहतरीन एक्शन क्राइम थ्रिलर वाली फिल्म अंडरवर्ल्ड, और इस फिल्म की हिंदी डबिंग भी सेम नाम से की गई है। और इस फिल्म की मुख्य भूमिका में आसिफ अली, मुकेश और फरहान फासिल के साथ और भी कलाकार देखने को मिले थे। बात की जाए अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में तो स्टालिन और माजिद किसी भी माध्यम से जल्दी से पैसा कमाना चाहते हैं। स्टालिन को दुनिया की परवाह नहीं है और वह केवल तभी दिलचस्पी रखता है जब इसमें बड़ी मात्रा में पैसा कमाना शामिल हो, चाहे तरीका कुछ भी हो। हालांकि जब उनका सामना पद्मनाभन और सोलोमन से होता है तो हालात बदल जाते हैं। आगे क्या होता है ये जानने के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो यह फिल्म ऑफिशियल अवेलेबल है, जिसकी लिंक नंबर 7 पर प्रोवाइड कर दी गई है। और इस फिल्म को IMDb की तरफ से 10 में से 5.6 की रेटिंग और गूगल यूजर तरफ से 77% लाइक्स मिला है। और इसके बाद नंबर 6 पर आती है 2020 में रिलीज हुई तेलुगु लैंग्वेज की बेहतरीन ड्रामा थ्रिलर वाली फिल्म शिवन, और इस फिल्म की हिंदी डबिंग भी सेम नाम से की गई है। और इस फिल्म की मुख्य भूमिका में साई तेजा कलवाकोटा और तरुणी सिंह के साथ और भी कलाकार देखने को मिले थे। बात की जाए अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में तो शिवन के मन में बचपन से ही सुनंदा के लिए भावनाएं हैं। जैसे ही सुनंदा ने अपने माता पिता को खो दिया, शिवन उसके और भी करीब आ गया। उनका बंधन विकसित होता है और जोड़ा शादी करने का फैसला करता है। शादी करने जा रहे रास्ते में अचानक एक मोड़ आता है और शिवन सुनंदा को बेरहमी से मार देता है। शिवन ने सुनंदा को क्यों मारा, अचानक उसे क्या हुआ, क्या इस हत्या में कोई और भी शामिल है, ये जानने के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो यह फिल्म ऑफिशियल अवेलेबल है, जिसकी लिंक नंबर 6 पर प्रोवाइड कर दी गई है। और इस फिल्म को IMDb की तरफ से 10 में से 7.4 की रेटिंग और गूगल यूजर तरफ से 79% लाइक्स मिला है। और इसके बाद नंबर 5 पर आती है 2020 में रिलीज हुई तेलुगु लैंग्वेज की बेहतरीन एक्शन कॉमेडी साइंस फिक्शन वाली फिल्म बोम्बात, और इस फिल्म की हिंदी डबिंग भी सेम नाम से की गई है। और इस फिल्म की मुख्य भूमिका में साई सुशांत रेड्डी, सिमरन चौधरी और चांदनी चौधरी के साथ और भी कलाकार देखने को मिले थे। बात की जाए अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में तो एक युवा रोबोटिक्स इंजीनियर लगातार अपने हास्य दुर्भाग्य से जूझता रहता है। भाग्य ने कभी उसका साथ नहीं दिया, लेकिन चीजें तब गंभीर मोड़ ले लेती है जब वह अपने गॉडफादर और पागल वैज्ञानिक के बीच एक महाकाव्य प्रतिशोध की कहानी में फंस जाता है, जो एक खतरनाक शक्तिशाली फॉर्मूले का पीछा कर रहा है। विज्ञान कल्पना की चिंगारी और प्रतिशोध की घातक साजिश के साथ विकृत प्रेम की एक कहानी। क्या विज्ञान की शक्ति अंततः भाग्य पर विजय प्राप्त करेगी, ये जानने के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो यह फिल्म ऑफिशियल अवेलेबल है, जिसकी लिंक नंबर 5 पर प्रोवाइड कर दी गई है। और इस फिल्म को IMDb की तरफ से 10 में से 4.5 की रेटिंग और गूगल यूजर तरफ से 56% लाइक्स मिला है। और इसके बाद नंबर 4 पर आती है 2021 में रिलीज हुई कन्नड़ लैंग्वेज की बेहतरीन एक्शन क्राइम थ्रिलर वाली फिल्म झांसी IPS, और इस फिल्म की हिंदी डबिंग भी सेम नाम से की गई है। और इस फिल्म की मुख्य भूमिका में राय लक्ष्मी, रवि काले और मुकेश तिवारी के साथ और भी कलाकार देखने को मिले थे। बात की जाए अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में तो इंस्पेक्टर झांसी एक साहसी अधिकारी जो अपराध को खत्म करना चाहती है और अपराधियों को निडर होकर गिरफ्तार करना चाहती है, उसे एक दुष्ट व्यापारी से लड़ना होगा जो उसे हतोत्साहित करने की साजिश रचता है। आगे क्या होता है ये जानने के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो यह फिल्म ऑफिशियल अवेलेबल है, जिसकी लिंक नंबर 4 पर प्रोवाइड कर दी गई है। और इस फिल्म को IMDb की तरफ से 10 में से 6.4 की रेटिंग और गूगल यूजर तरफ से 71% लाइक्स मिला है। और इसके बाद नंबर 3 पर आती है 2017 में रिलीज हुई कन्नड़ लैंग्वेज की बेहतरीन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वाली फिल्म BB5, और इस फिल्म की हिंदी डबिंग भी सेम नाम से की गई है। और इस फिल्म की मुख्य भूमिका में राधिका मदान, रजत बरमेचा, आयुष मेहरा और महेश ठाकुर के साथ और भी कलाकार देखने को मिले थे। बात की जाए अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में तो एक निराश लेखक के रचनात्मक कौशल से प्रेरित होकर एक लोकप्रिय फिल्म निर्देशक अपनी आगामी फिल्म के लिए एक शानदार स्क्रिप्ट बनाने में हेरफेर करने के विचार से प्रेरित और प्रेरित करता है। आगे क्या होता है ये जानने के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं।
दोस्तों अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो यह फिल्म ऑफिशियल अवेलेबल है जिसकी लिंक नंबर 3 पर प्रोवाइड कर दी गई है और इस फिल्म को IMDb की तरफ से 10 में से 6.9 की रेटिंग और गूगल यूजर तरफ से 48% लाइक्स मिला है। और इसके बाद नंबर 2 पर आती है 2022 में रिलीज हुई कन्नड़ लैंग्वेज की बेहतरीन एक्शन थ्रिलर वाली फिल्म प्राणा और इस फिल्म की हिंदी डबिंग भी सेम नाम से की गई है और इस फिल्म की मुख्य भूमिका में श्रेयस मंजू, रीशमा ननिया, मोहन धनराज और संयुक्त हेगड़े के साथ और भी कलाकार देखने को मिले थे। बात की जाए अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में तो राणा एक महत्वाकांक्षी पुलिस अधिकारी बेंगलुरु में एक कैब ड्राइवर के रूप में काम कर रहा है। उसकी दुनिया उसकी प्रेमिका प्रिया और कुछ दोस्तों के इर्द गिर्द घूमती है क्योंकि वह पुलिस विभाग से दस्तावेज मंजूरी का इंतजार कर रहा है। कपाली और सूरी शहर के डॉन हैं। जब कपाली पर रहस्यमय तरीके से हत्या हो जाती है तो सूरी क्रोधित हो जाता है और अपराधी की तलाश में लग जाता है। राणा गलती से गोलीबारी में फंस जाता है। आगे क्या होता है ये जानने के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो यह फिल्म ऑफिशियल अवेलेबल है जिसकी लिंक नंबर 2 पर प्रोवाइड कर दी गई है और इस फिल्म को IMDb की तरफ से 10 में से 6.7 की रेटिंग और गूगल यूजर तरफ से 34% लाइक्स मिला है। और इसके बाद नंबर 1 पर आती है 2022 में रिलीज हुई मलयालम लैंग्वेज की बेहतरीन क्राइम ड्रामा थ्रिलर वाली फिल्म कीडम और इस फिल्म को हिंदी में कीड़ा नाम से डब किया गया है और इस फिल्म की मुख्य भूमिका में राजेशा विजयन, श्रीनिवासन और रंजीत शेखर के साथ और भी कलाकार देखने को मिले थे। बात की जाए अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में तो राधिका बालन साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ है। अच्छे के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग की वकालत करती है लेकिन जब वह साइबर स्टॉकिंग की घटना का शिकार हो जाती है और उनकी गोपनीयता से समझौता हो जाता है तो उनका जीवन उल्टा हो जाता है। वह अपराधी को कैसे सबक सिखाएगी ये जानने के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो यह फिल्म ऑफिशियल अवेलेबल है जिसकी लिंक नंबर 1 पर प्रोवाइड कर दी गई है और इस फिल्म को IMDb की तरफ से 10 में से 6.4 की रेटिंग और गूगल यूजर तरफ से 83% लाइक्स मिला है। दोस्तों ये थी साउथ की वे 7 बेहतरीन फिल्में। उम्मीद है आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी बेहतरीन फिल्मों की जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे। और आज की इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद।